just go onto her chest, did she? She's a big problem. आज कुकु आई है प्राइमरी केयर सेंटर में, मेंटल हेल्थ केयर सेंटर पार्म्स टाउन। तो आज यहाँ पे है कुकु का डेवलपमेंट चेकअप। तो इन्होंने हमें लास्ट वीक कॉल किया था कि कब आ सकते हैं हम, क्योंकि ये 2 साल की हो गई है, अब 2 साल कंप्लीट हो गया है। तो इसका प्रोग्रेशन चेक करना है उनको, इसकी लर्निंग, अगर कोई कंसर्न है कुछ भी है तो उसका आज अपॉइंटमेंट है यहाँ पे। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ अंदर चलो एंड देखते हैं कौन इसका चेकअप कर रहा है एंड क्या बोलते हैं। उसके बाद हम हॉस्पिटल से बाहर आके बात करेंगे कि क्या कहा। लेट्स गो इनसाइड। अच्छा वेट वी हैव टू वेट। ओके चलो वी विल काउंट। चलो मामा काउंट, कम मामा काउंट, कम कम। वन इज वन चेयर, वन एंड नेक्स्ट टू एंड दिस वन थ्री दिस एंड And Ten, 12, 14, 13, 14, yes, 15, 16, finish. Count again, Yeah, okay. okay, count. Go. Slow. Walking. Come. Count. Count. Time for her wreath. And she is on the, just above the 25th centile for her height. Okay. So she's doing really well there. It's good? Yeah, it is. Yeah. Very good. There's no other concerns, just from the last time we see. Sit here. Go. Pitty kar denge phir. So she had a skull to her chest, did she? She was in problem. Yes. And how did that look now? Now I am this. Okay. So this is a little thing on what to do, like if there's any burns or scalds, what to do, and or if she ingests something. Yeah. Okay. Different things, and there's first aid, and you know what to do with nosebleeds, things like that. Oh, can I get this? Yeah, that's for you. Thank you. Where are you going? Let's see now, please. Want your hat? No. You're a little bobbin. And hopefully, but you need to think in the long run that it's good, because you're doing this so when she's going to school. So thank you, doctor. Welcome. So thank you. Say. Oh, you are gorgeous. Bye. You have to go out. did you say bye? Bye. Go. Next time I see this little baby, she'll be four. 4 years. Yeah.
Okay. 46 to 48 months. Oh, okay. And sure, should be okay. And I hope you get home soon. Oh, and mind yourself, all right? Okay, thank you so much. Okay, bye. Say bye. Say bye. 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 Come. So, हमारा हो गया है हॉस्पिटल से काम फिनिश एंड हम लोग अभी जा रहे हैं घर वापस. होता है बच्चों के लिए जब ये बोर्न हुई थी तब आ रहे थे वो लगातार वन हर तीसरे दिन में घर पे चेक करने के लिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ है बेबी का. फिर उसके बाद 6 मंथ में आए थे. फिर 6 मंथ के बाद 1 साल की जब ये हुई थी तब जब 1 साल की हुई थी तब वो घर पे नहीं आए थे. फिर वो यहाँ पे आए थे उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो फिर हम इसी हॉस्पिटल में आए थे जब 1 साल की थी चेकअप करने के लिए. एंड अब ये 2 साल की हो गई है तो 2 साल का चेकअप इसका आज भी हम इस हॉस्पिटल में आए हैं चेक करने के लिए. कुकू कितना सीख गई है, कुकू की हाइट, कुकू का वेट एंड कुकू की लर्निंग और कोई कंसर्न है या नहीं है ये सब चेक करते हैं वो. तो अभी 2 साल का चेकअप था आज, हम उसी के लिए आए थे आज यहाँ पर. तो डॉक्टर ने बोला सही है, हाइट हेल्थ डेवलपमेंट जो भी उसके प्रोग्रेशन है वो सब नॉर्मल है, ओके है. तो अभी हम जा रहे हैं अब घर वापस एंड देन अब जो होगा इसका नेक्स्ट चेकअप जो होने वाला है वो होगा जब ये 4 साल की हो जाएगी. तो 4 साल के होते ही वो खुद ही कॉल करते हैं तो कॉल करके वो हमें बुलाएंगे कि 4 साल की तुम्हारी कुकू अर्ची हो गई है तो हमें दोबारा आना पड़ेगा इसका चेकअप करने के लिए. मतलब वो लोग देखेंगे, यहाँ पे नर्स होती है, नर्स जो ये सब देखती है चेक करेगी. तो यस आज का हो गया है. तो उनका एक्चुअली पिछले हफ्ते आया था कॉल, हमको कुछ याद करने की रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास सब रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड था उनके पास. तो वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि कब फ्री हो, कब आ सकते हो हॉस्पिटल में कुकू को दिखाने के लिए, मतलब इसका चेकअप करवाने के लिए. तो हम गई है इसलिए आज एंड उनके पास सारा रिकॉर्ड था. एक्चुअली ये वाला हॉस्पिटल अलग है एंड जब कुकू का यहाँ पे चेस्ट के पास जब मिल्क गिरा था हॉट मिल्क, वो आपने इसका ब्लॉग देखा होगा, तो हम उस टाइम पे हॉस्पिटल गए थे. वो दूसरा हॉस्पिटल था, वहाँ पे हम इमरजेंसी हॉस्पिटल में गए थे उस टाइम. तो वो जो गए थे उसका रिकॉर्ड, जबकि हमने तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखा ना, मैं अभी कुछ पेपर वेपर कुछ लेके भी नहीं गई थी, पर इनके पास वो रिकॉर्ड भी था. अभी जब हम ये देख रहे थे वो खुद ही पूछने लग गए कि अच्छा आप अभी कुछ मैंने पहले गए थे उस हॉस्पिटल में तो क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बार बार पूछ रहे थे. मुझे इतनी बार पूछ लिया ये सब लोगों ने. और डॉक्टर ने वहाँ जब इसको इमरजेंसी में भी लेके गए थे 3-4 डॉक्टर अलग अलग लोगों ने पूछा कि क्या हुआ कैसे हुआ एंड अभी भी यहाँ पे भी पूछा. अब तो मुझे इतना रिग्रेट होता है, मुझे कहते हुए बताते हुए भी शर्म आती है कि वो दूध मैंने कैसे रखा और कैसे गिर गया इसके यहाँ पे गर्म मिल्क. इतनी बार बता दिया मैंने, हर बार बार पूछ पूछ के ऐसा लगता है कि मेरे खुद शर्म आती मुझे, क्योंकि गलती एक्चुअली मेरी ही थी. तो यस, तो इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है जब से ये पैदा होते हैं तब से इनका पूरा फाइल. पूरे आयरलैंड में किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे इसका जो एक नंबर हो है उस नंबर के हिसाब से उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है. चाहे कोई भी हॉस्पिटल में आयरलैंड में कहीं पे भी दिखाओ इसे तो सब उनके पास फिट रहता है दिस, जो बहुत अच्छा है. तो हमें कुछ रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यस अभी हम लोग
जा रहे हैं घर को वापस। थैंक यू। ये रोड क्रॉस करा हमने, वो कार वाले औरत ने बोला जाने के लिए तो क्रॉस कर लिया बिकॉज वहाँ पर रेड लाइट नहीं था। एंड कुकू मजे से कुकू नो ब्लॉक करती है बस कुकू नो ब्लॉक करती है। हम एक्चुअली अभी देखो वॉक कर रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे घर से 20 मिनट का वॉक है। जिस हॉस्पिटल में हम गए थे अभी 20 मिनट का वॉक था तो इसलिए वॉक कर लिया। एक्चुअली बस से आते तो खाली दो स्टॉप था तो मैंने सोचा क्या बस लूँ, वॉक करते हैं एंड कुकू भी मज़े कर लेगी तो इसलिए मैं वॉक करके गई, वॉक करके ले आई। अभी आई थिंक बारिश भी हो रही थी, देखो गीला है पूरा रोड, गीला हो रखा है, बारिश हुई थी जब हम जा रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी पर अभी नहीं, अभी अच्छा है, मौसम अच्छा हो गया पर ठंड भी नहीं है आज। एक्चुअली हल्का ठंड तो है हल्की हल्की पर हवा नहीं है क्योंकि बिकॉज लास्ट दो हफ्ते से एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब ठंड बहुत पड़ी हुई थी पर अभी सही है। यस, तो आज का काम हमारा बस यही था कि हमने अब जाते हैं हम घर, रास्ते में कुछ शॉपिंग का देखते हैं क्या है वो खरीदते हुए घर चलते हैं। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, मिलते हैं कुकू के नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल एंड हरे कृष्णा।